उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में दीवानी न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में जिला जज तेज प्रताप तिवारी ने बताया कि रक्तदान करने से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है, सभी को रक्तदान करना चाहिए। आज मैंने भी रक्तदान किया है। उन्होंने सभी अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता तथा नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि रक्तदान से कोई नुकसान नहीं होता है, सभी को रक्तदान करना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशुतोष कुमार दुबे, जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक, अधिवक्ता, कर्मचारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला जज तेज प्रताप तिवारी ने कहा, मानना है ये पांचवी बार मैं रक्तदान कर रहा हूँ। रक्तदान से कोई परेशानी नहीं होती है, रक्तदान बहुत ही सुरक्षित है और इससे कोई हानि हमको नहीं होती। मैं सिविल कोर्ट के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अधिवक्ता गणों से ये अपेक्षा करूँगा, अपील करूँगा कि वह रक्तदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और रक्तदान करे। रक्तदान महादान है और इससे किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक, कोई भी मानसिक, कोई भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं। एक यूनिट ब्लड कितना होता है? 250 बेटा वो पढ़ा लेंगे और घर पर है, लोग काम करेंगे। आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से हमारे दीवानी न्यायालय परिसर के चिकित्सालय में, और आज मैंने रक्तदान किया है। मैं अपील करूंगा सभी अधिकारियों से, कर्मचारीगण से, अधिवक्तागण से, यहाँ की नागरिक से कि रक्तदान से कोई नुकसान नहीं होता है, रक्तदान करना चाहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं होती।